स्टूडेंट, कल हमने स्टार्ट किया था अर्थिंग। ठीक, तो अर्थिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि अर्थिंग क्या होती है और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम अर्थिंग करते हैं। ठीक, और हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जब करते हैं, कोई भी मोटर इंस्टॉल करेंगे कहीं पे या कोई ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करेंगे, तब अर्थिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या आवश्यकता होती है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था अर्थिंग की क्या हानियाँ हैं और क्या लाभ हैं। ठीक, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े थे। फिर उसके बाद पढ़ा था इम्प्रॉपर अर्थिंग के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर अर्थिंग अगर होगी, हमारी अप्रभावी अर्थिंग होगी, तो उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे अर्थिंग के अप्रभावी होने के कारण, जो हमारी अर्थिंग होगी इम्प्रॉपर या अप्रभावी क्यों होती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके। ठीक, तो इन सब से तुम्हारे क्या MCQs बनेंगे। ये आ सकता है कि भाई इनमें से कौन सा कारण है कि हमारा इम्प्रॉपर अर्थिंग होगी, तो ये आ सकता है भाई कि हमारा अर्थिंग वायर है उसका साइज जो है प्रॉपर नहीं है, जिससे उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, और भी तीन ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्या है, अर्थिंग वायर के उपयुक्त साइज के न होने के कारण अर्थ वायर का रेजिस्टेंस अधिक हो। पहला कारण ये हो सकता है कि उसका वायर का रेजिस्टेंस, उसका साइज क्या है, प्रॉपर साइज का नहीं है हमारा वायर। अर्थ वायर क्या होता है, जिस वायर की सहायता से हम किसी भी इक्विपमेंट की अर्थिंग करते हैं, ठीक है, उस वायर का एक सिरा जो है उस इक्विपमेंट के मेटेलिक पार्ट पर जोड़ा जाता है, दूसरा सिरा ज़मीन से जोड़ा जाता है, अर्थ से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वो अर्थिंग वायर कहलाता है। तो अर्थ वायर के अगर अर्थ वायर प्रॉपर साइज का नहीं है, तो उसके कारण उसका रेजिस्टेंस अधिक हो, ये एक कारण हो सकता है प्रभावी अर्थिंग का। सेकेंड है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड के उपयुक्त साइज के न होने के कारण अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस अधिक हो, दूसरा कारण ये हो सकता है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो अर्थिंग के लिए हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, ज़मीन में गाड़ते हैं उसको, वो आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड भी अगर उपयुक्त साइज का ना होगा, तब भी क्या अर्थ इलेक्ट्रोड का भी रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा। ठीक, इस जी हमारा क्या होगा, ये भी एक कारण है इम्प्रॉपर या अप्रभावी या अनइफेक्टिव अर्थिंग का। ठीक, तो साइज बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का, अर्थिंग वायर का और अर्थिंग इलेक्ट्रोड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कारण हो सकता है। और उसके बाद थर्ड कारण है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड की गहराई कम होने के कारण लीकेज करंट का अर्थ पर पर्याप्त डिस्चार्ज ना हो पा रहा हो। और कारण क्या हो सकता है कि जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है उसको ज़मीन में गाड़ा जाता है। ठीक, अगर वो प्रॉपर गहराई में, जितना गहराई में गाड़ा जाना चाहिए उसे, अगर वो प्रॉपर गहराई में नहीं गाड़ा हुआ है, ठीक, कम गहराई में गाड़ा हुआ है, तो जो लीकेज करंट होगी ना, वो सही से डिस्चार्ज नहीं हो पाएगी। ये भी हमारा एक कारण हो सकता है। ठीक, डिस्चार्ज कहाँ नहीं हो पाएगी, ज़मीन में नहीं जा पाएगी। ठीक, तो ये भी हमारा एक कारण हो सकता है इम्प्रॉपर अर्थिंग का। ठीक है, अनइफेक्टिव अर्थिंग का या अप्रभावी अर्थिंग का। दूसरा, नमी, अर्थिंग नमी रहित हो जाने से उसका प्रभावी अर्थ रेजिस्टेंस बढ़ गया हो। ठीक, क्या होता है, जितनी नमी हमारी अधिक होगी भाई, नमी जहाँ होती है वहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना, तो इसीलिए क्या है, रेजिस्टेंस वेरी करता है भाई। गर्मियों के मौसम में रेजिस्टेंस अलग होगा, ठीक है, बरसात में अलग होगा, ठंड में अलग होगा। ठीक, तो ये वेरी करता रहता है। ठीक, तो अर्थिंग नमी रहित हो जाने से, अगर नमी नहीं है वहाँ पर अर्थिंग में, इसीलिए वहाँ पर कोयला, और जब हम इलेक्ट्रोड गाड़ते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके चारों ओर कोयले की और नमक की लेयर लगाते हैं, ठीक, ताकि नमी बनी रहे, और वहाँ पर एक गैप, फिर उसमें पानी डालने के लिए गैप छोड़ते हैं, ताकि वह हमारा नमक क्या सीलन की वजह से सीले, और उसमें कोयले और नमक की वजह से नमी बनी रहे। ठीक, अभी हम आगे देखेंगे उसको, पढ़ेंगे तब। तो अर्थिंग नमी रहित हो जाने से, अगर नमी नहीं है वहाँ पे, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक, ये भी एक कारण हो सकता है। अर्थ वायर पर जोड़ ढीले हों या वह टूट गया हो, ये भी हो सकता है कि अर्थ वायर अगर जुड़ा हुआ जोड़ हैं उसमें, तो वो जोड़ ढीले हैं अगर, या फिर वो टूट गए, तब जाहिर सी बात है भाई, टूट गए तो अर्थिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ही मतलब इफ़ेक्टिव नहीं होगी। ठीक, तो ये सारे कारण क्या है हमारे, इम्प्रॉपर, अप्रभावी या फिर अनइफेक्टिव अर्थिंग के कारण हो सकते हैं ये सब। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के अर्थिंग के लिए SI विशेषताएँ। ठीक, SI स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलेशन सॉरी। ठीक, तो हम जब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं ना, तो उसकी अर्थिंग के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड, क्या क्या स्पेसिफिकेशन यूज़ होती हैं। ठीक,
तो उनको हम पढ़ेंगे। तो इसे याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक, और ये तुम्हारे आगे बहुत काम में आएंगे। चलिए पहला देखते हैं इसमें क्या क्या है। जिस परिसर के लिए अर्थिंग किया जा रहा हो, अर्थिंग की दूरी उससे कम से कम 1.5 मीटर रखी जानी चाहिए। जिस भी चीज़ की हम अर्थिंग कर रहे हैं, जिस भी परिसर की, ठीक, तो जिसकी अर्थिंग कर रहे हैं, अर्थिंग की दूरी उससे, उस चीज़ से कम 1.5 मीटर रखी जानी चाहिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जिस किसी चीज़ की हम अर्थिंग कर रहे हैं, किसी परिसर की, उसकी और अर्थिंग के बीच की दूरी कितनी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आ सकते हैं कि भाई 1.5 मीटर होना चाहिए, 1.6 मीटर होना चाहिए, 2 मीटर होना चाहिए या 2.5 मीटर होना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 1.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक। इंस्ट्रूमेंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाला वायर, जिसकी हम अर्थिंग कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाला वायर, मतलब अर्थात अर्थ कंटिन्यूटी वायर, अर्थ कंटिन्यूटी वायर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसकी माप इंस्टॉलेशन के कंडक्टर वायर की माप के आधे से कम नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक। जिस भी इंस्ट्रूमेंट की हम अर्थिंग कर रहे हैं, ठीक, तो उस इंस्ट्रूमेंट को अर्थ से जोड़ने वाला जो अर्थ वायर होता है, उसकी माप जो है इंस्टॉलेशन के कंडक्टर वायर की माप के आधे से कम नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। जबकि अर्थ वायर कॉपर का हो और यह किसी भी स्थिति में 3 mm स्क्वायर 14 SWG कॉपर वायर या 6 mm स्क्वायर 11 SWG GI वायर, गैल्वनाइज्ड आयरन वायर से कम माप का नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये क्या है, जो अर्थिंग वायर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी माप दे रखी है। तो इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कि अगर वह कॉपर का वायर है, तो उसकी माप कितनी होनी चाहिए, 3 mm स्क्वायर या फिर 14 SWG, ठीक। और यदि वो क्या है, GI वायर है, गैल्वनाइज्ड आयरन का वायर है, तो उसकी माप कितनी होनी चाहिए, 6 mm स्क्वायर या 11 SWG, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि अर्थिंग में जो वायर, अर्थिंग वायर यूज़ कर रहे हैं, अगर कॉपर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका साइज कितना होना चाहिए। तो 3 mm स्क्वायर अगर कॉपर का यूज़ कर रहे हैं या SWG होगा तो 14 SWG, ठीक, कॉपर वायर, या फिर अगर हम गैल्वनाइज्ड आयरन का वायर यूज़ कर रहे हैं तो 6 mm स्क्वायर और या फिर 11 SWG होना चाहिए, ठीक, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन है, इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ लेना, अपने दिमाग में घुसेड़ लेना सारे लोग, ठीक। कॉपर के लिए 3 mm स्क्वायर या 14 SWG और GI वायर के लिए 6 mm स्क्वायर या 11 SWG, इससे कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, अर्थ वायर व अर्थ इलेक्ट्रोड एक ही पदार्थ के होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेसिफिकेशन है। ये भी आ सकता है कि भाई जो अर्थ, अगर हम अर्थ वायर, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, अर्थ वायर अगर हम कॉपर का यूज़ कर रहे हैं तो अर्थ इलेक्ट्रोड कौन से मटेरियल का यूज़ करेंगे, तो आ सकता है एल्युमिनियम, आयरन, GI इलेक्ट्रोड या कॉपर। तो जाहिर सी बात है, कॉपर का अगर अर्थ वायर, जिस मटेरियल का अर्थ वायर होगा, उसी का अर्थ इलेक्ट्रोड भी होना चाहिए, एक ही पदार्थ पे होना चाहिए, ठीक, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ वायर को मैकेनिक डैमेज से बचाने के लिए इसे ग्राउंड में कम से कम 30.5 सेंटीमीटर नीचे से तथा 12.7 mm ब्यास के GI पाइप से ले जाना चाहिए। बात समझ में आ गई, अगर हम क्या अर्थिंग कर रहे हैं, ठीक, किसी इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी हम इक्विपमेंट की अर्थिंग कर रहे हैं, तो जो अर्थ वायर है ना, अर्थिंग करते हैं जिससे, वो अर्थ वायर, उस अर्थ वायर को मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए ग्राउंड के अंदर से ले जाना चाहिए हमें, कितने नीचे से कम 30.5 सेंटीमीटर नीचे से ले जाना चाहिए, और एक पाइप होगा, उस पाइप में से गुजार कर ले जाना चाहिए 12.7 mm के GI mm ब्यास के GI पाइप से ले जाना चाहिए। अगर हम अर्थिंग कर रहे हैं ना, तो अर्थ वायर होगा, उसको ज़मीन में से ले जाना चाहिए मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए, और ज़मीन में से जो ले जाएंगे, तो जब वो ज़मीन में से जाएगा ना, तो डायरेक्ट ज़मीन में से नहीं जाएगा, वो GI 12.7 mm ब्यास के GI पाइप में से जाएगा, ठीक, और ग्राउंड कम से कम कितना नीचे होना चाहिए, 30.5 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए वो, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद है
यह आवश्यक नहीं कि अर्थवायर को पूरे परिसर में ले जाया जाए, ठीक, ये जरूरी नहीं कि पूरे परिसर में ले जाया जाए अर्थवायर को। विभिन्न सर्किट के अलग अलग अर्थ कंटिन्यूटी वायर सेगमेंट को मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्ट करने के बाद अंततः उसे अर्थ वायर द्वारा अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ा जा सकता है। बात समझ में आ गई, ये नहीं कि पूरा एक परिसर है, ठीक, उसका हम अलग अलग अर्थिंग करें। भाई क्या करेंगे, विभिन्न सर्किट के अलग अलग अर्थ कंटिन्यूटी वायर सेगमेंट को मेन डिस्ट्रीब्यूटर में ले कनेक्ट करेंगे, ठीक, कनेक्ट करने के बाद अंत में उसे अर्थ वायर द्वारा अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा उसको क्या करेंगे हम भाई, सारी चीज़ वहाँ कनेक्ट करेंगे, सारे अर्थ कंटिन्यूटी वायर जो है सेगमेंट जो है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे अर्थ वायर द्वारा अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे। सब में पूरे परिसर में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले अर्थ वायर की माप क्रम संख्या 2 में वर्णित माप से कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो माप जो बताई गई है इस माप से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक, ये जो माप है यही माप होनी चाहिए जब हम अर्थिंग कर रहे हैं तब, ठीक। कॉपर के लिए 3 mm² और GI पाइप के लिए 6 mm² या फिर 14 SWG और 11 SWG, ठीक है। उसके बाद छठा है, अर्थ इलेक्ट्रोड को जमीन के अंदर इस प्रकार वर्टिकल स्थिति में स्थापित करना चाहिए कि उसका अर्थ की विभिन्न सतहों से संपर्क हो, ठीक। जो अर्थ इलेक्ट्रोड को अगर हम जमीन में गाड़ेंगे तो वर्टिकली गाड़ते हैं, ठीक, वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर स्थिति में गाड़ते हैं। तो इस प्रकार हम उसे गाड़ना चाहिए कि अर्थ की विभिन्न सतहों से उसका संपर्क हो, ठीक है। उसके बाद है अर्थिंग के लिए पाइप इलेक्ट्रोड मेटल के एक ही टुकड़े में तथा पेंट रहित होना चाहिए। बात समझ में आ गई, अर्थिंग के लिए अगर पाइप इलेक्ट्रोड यूज़ करें तो पाइप इलेक्ट्रोड मेटल के एक ही टुकड़े में तथा पेंट रहित होना चाहिए। यह पाइप 38 mm भीतरी ब्यास के GI या 100 mm भीतरी ब्यास के कास्ट आयरन से कम नहीं होना चाहिए। पाइप समकोण पर छिद्रित हो वह 2.5 मीटर से कम लंबाई का ना हो, ठीक है। समकोण पर क्या हो, उसमें छेद हो और 2.5 सेंटीमीटर से कम लंबाई का ना हो, ठीक है। ठीक, उसके बाद है अर्थिंग के लिए प्लेट इलेक्ट्रोड अगर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका साइज कितना होना चाहिए, 60 cm × 60 cm × 6.3 mm GI प्लेट हो, ठीक। अगर प्लेट इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं तो अगर GI प्लेट लेना है तो 60 × 60 × 6.3 mm या फिर 60 cm × 60 cm × 3.16 cm कॉपर की प्लेट से कम नहीं होना चाहिए अगर प्लेट इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हम GI प्लेट यूज़ करेंगे तो 60 cm × 60 cm × 6.3 mm GI प्लेट हो या फिर 60 cm × 60 cm × 3.16 cm कॉपर की प्लेट से कम नहीं होना चाहिए उसका साइज, ठीक है। अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई 1.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो अर्थ इलेक्ट्रोड को हम जमीन में गाड़ेंगे, ठीक, तो प्रॉपर तरीके से 1.25 मीटर से कम में नहीं गाड़ेंगे, इतने में ही गाड़ेंगे, ठीक है। इससे अधिक हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई 1.25 मीटर से कम नहीं रखी जानी चाहिए। मिट्टी की स्थिति के अनुसार यह गहराई बढ़ाई जा सकती है। बात समझ में आ गई, मिट्टी की स्थिति के अनुसार यह गहराई बढ़ाई जा सकती है लेकिन कम से कम इतनी गहराई में इलेक्ट्रोड गाड़ा जाएगा, ठीक, इससे कम नहीं होना चाहिए, 1.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अच्छे अर्थिंग रेजिस्टेंस भी नमी की स्थिति के अनुसार, ठीक, अच्छे अर्थिंग रेजिस्टेंस भी नमी की स्थिति के अनुसार स्थान व मौसम के साथ बदलता है, ठीक है। जिस वो जो अर्थिंग रेजिस्टेंस होता है ना, वह क्या होता है, नमी की स्थिति के अनुसार स्थान व मौसम के साथ बदलता है। आदर्श रूप से यह मान शून्य होना चाहिए। आइडियली ये मान जो है अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है वह ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन ये बदलता रहता है मौसम के अनुसार और स्थान के अनुसार, ठीक है। लेकिन अर्थिंग के लिए निम्न अर्थ कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस का मान्य व प्रभावी है, ठीक। वायरिंग इंस्टॉलेशन में ये कितना होना चाहिए, अर्थिंग रेजिस्टेंस 1 ohm होना चाहिए। अगर वायरिंग कर रहे हैं हम
उसके इंस्टॉलेशन में 1 ओम होना चाहिए अर्थिंग रेजिस्टेंस, बड़े पावर स्टेशन में 0.5 से 1 ओम तक होना चाहिए। ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, ये इन पर भी MCQs बन सकते हैं। ठीक, अगर वायरिंग इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अर्थिंग रेजिस्टेंस 1 ओम स्टैंडर्ड वैल्यू है, बड़े पावर स्टेशनों के लिए 0.5 से 1 ओम तक, छोटे पावर स्टेशनों और सब स्टेशनों के लिए 1 से 2 ओम तक, तथा अन इलेक्ट्रिक परिसर के लिए 2.5 से 5 ओम तक होना चाहिए। ठीक, तो ये सारे क्या हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू रखी गई है ये। ठीक, लेकिन क्या है, मौसम के अनुसार, स्थान के अनुसार बदलता रहता है अर्थिंग रेजिस्टेंस। ठीक ठीक है, वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए 1 ओम, बड़े पावर स्टेशन के लिए 0.5 से 1 ओम तक, ठीक, छोटे पावर स्टेशन या सब स्टेशन के लिए 1 ओम से 2 ओम तक, ठीक, और अन्य इलेक्ट्रिकल परिसर में 2.5 से 5 ओम तक, ठीक, इतने होने चाहिए रेजिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थिंग रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक। अर्थिंग जो रेजिस्टेंस है उसको कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो पहला होता है ग्राउंड की स्थिति, ग्राउंड की कंडीशन, जो ग्राउंड है हमारे उसकी कंडीशन, और टेम्परेचर, ग्राउंड का टेम्परेचर। ठीक, दूसरा ये है ग्राउंड का टेम्परेचर। ठीक है, पहला क्या है, ग्राउंड की स्थिति, कंडीशन, किस कंडीशन, कहाँ है हमारी ज़मीन, कैसी कंडीशन है वहाँ पर जहाँ पर हम अर्थिंग कर रहे हैं, और दूसरा है टेम्परेचर। ठीक है, ग्राउंड का टेम्परेचर कितना है, उसके बाद है ग्राउंड में नमी की मात्रा, ठीक है, मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है। ठीक, उसके बाद अर्थ इलेक्ट्रोड का साइज तथा उनके बीच की दूरी। ठीक है, दूसरा क्या, अर्थ इलेक्ट्रोड का साइज तथा उनके बीच की दूरी, चौथा था ये, पाँचवा क्या, अर्थ इलेक्ट्रोड का पदार्थ, कौन से पदार्थ का हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, कौन से मटेरियल का हम, जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है जो ज़मीन में गाड़ते हैं, वो कौन से मटेरियल का हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी इस पर भी निर्भर करता है अर्थिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद क्या, अर्थ इलेक्ट्रोड की ग्राउंड में गहराई, डेप्थ, जो अर्थ इलेक्ट्रोड है उसको कितनी डेप्थ में हम गाड़ रहे हैं, कितनी गहराई में हम गाड़ रहे हैं। ठीक, तो इस चीज़ पर भी निर्भर करेगा, ठीक है, कि जो हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है ग्राउंड में कितनी डेप्थ में, कितनी गहराई में हम उसको गाड़ रहे हैं। ठीक, उसके बाद है अर्थ इलेक्ट्रोड गड्ढे में चारकोल की मात्रा, जब हम अर्थिंग करते हैं तो जो गड्ढे में अर्थ इलेक्ट्रोड जहाँ गाड़ा जाता है उसमें चारकोल और नमक की लेयर बिछाई जाती है, तो उसमें चारकोल की मात्रा, ठीक ठीक चारकोल की मात्रा पर भी निर्भर करता है अर्थिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्थिंग सिस्टम का अर्थ रेजिस्टेंस कम करने की विधियाँ, कौन कौन सी विधियों से हम अर्थिंग रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, जितना कम होगा उतना ही हमारा फ़ायदा है। ठीक, तो पहली है अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर 1.5 से 2 मीटर तक स्थान की खुदाई करके अर्थ रेजिस्टेंस का मान काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक, जो अर्थ इलेक्ट्रोड है उसके चारों ओर अगर हम 1.5 से 2 ओम तक स्थान की खुदाई कर दें, उसके चारों ओर इतनी खुदाई कर दें अगर, तो अर्थ इलेक्ट्रोड का मान, अर्थ रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। दूसरा क्या, अर्थ इलेक्ट्रोड पर जंग ना लगने की व्यवस्था की जाए, मतलब ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि अर्थ इलेक्ट्रोड पर जंग ना लगे, या जंग हटा दिया जाए तो अर्थ रेजिस्टेंस का मान कम प्राप्त होता है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं इनसे MCQs बनेंगे आपके, इन सबको पढ़ लो, आराम से कर दोगे MCQs। ठीक है, तथा इसके चारों नमक व कच्चे कोयले की परत इसके अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावी रूप से कम कर देती है। ठीक, तो इसके इलेक्ट्रोड के चारों नमक और कोयले की परत बिछाते हैं, उससे अर्थ इलेक्ट्रोड प्रभावी रूप से कम हो जाता है। नेक्स्ट है गर्मी के दिनों में लगभग हर 15 दिन में नमक का पानी, कॉपर की सल्फेट के लिए कॉपर सल्फेट का घोल, सॉरी अगर कॉपर की प्लेट है तो कॉपर सल्फेट का घोल अर्थिंग सिस्टम में पर्याप्त मात्रा में डालने से अर्थ रेजिस्टेंस प्रभावी ढंग से कम हो जाता है। ठीक, गर्मी के मौसम में क्या होता है, भाई नमी सूख जाती है ना, ज़मीन ड्राई हो जाती है, तो हर 15 दिन में क्या, नमक का पानी अगर कॉपर की प्लेट है तो कॉपर सल्फेट का घोल उसमें डालेंगे, इससे क्या होगा, प्रभावी ढंग से डालने पर क्या होगा, अर्थ रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अर्थ इलेक्ट्रोड का सतह क्षेत्रफल बढ़ाने से, जो अर्थ इलेक्ट्रोड है उसका अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दें वह उसकी गहराई बढ़ाने से अर्थ इलेक्ट्रेशन का मान कम होता है, परंतु
यह विधि किसी सीमा तक ही व्यापारिक है। ठीक है, क्या होगा अगर क्षेत्रफल बढ़ा दें और गहराई बढ़ा दें तब भी हमारा क्या होगा, अर्थ इलेक्ट्रोड का मान कम हो जाता है, लेकिन कुछ सीमा तक ही यह क्या व्यावहारिक है। पता चला बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा गहरा कर दिया, तो ये भी सही नहीं है ना। उसके बाद ऐसे स्थानों पर जहाँ अर्थिंग के लिए भूमि उपलब्ध हो, पैरलर में बहुत से अर्थिंग जोड़कर अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। ठीक, ऐसे स्थानों पर जहाँ अर्थिंग की भूमि उपलब्ध हो, जहाँ पर अर्थिंग की गई है, ठीक है, उसके पैरलर में बहुत से अर्थिंग जोड़कर अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। ठीक, ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि विभिन्न अर्थिंग इलेक्ट्रोडों के फील्ड एक दूसरे के अर्थिंग क्षेत्र के प्रभाव फील्ड में ना हों। ठीक, तो ये क्या थे हमारे अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने की विधियाँ। तो ये इन सारी जो पढ़ाया, इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ लो, इसी में से तुम्हारे बहुविकल्प आएंगे। ठीक है, इन्हें पढ़ लोगे तो आराम से कर दोगे बहुविकल्प, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक, चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल हम नेक्स्ट इसके आगे का पढ़ेंगे।